ये तो तू घर की बातें बता ली, अब ब्राह्मण से आ गई बात। आ गया जा, क्या नाम है आपका? इनके साथ देखो कौन कौन सी देवता रंग है, खड़े हो गई बता दो भाई। सुनीता देवी के साथ दो देवी चलते हैं वैसे, एक माता नव दुर्गे शक्ति के रूप में चलते हैं, एक वैष्णो देवी चलती है। और तरंग क्या है देवताओं की? उसके साथ साथ इनके घर में बालाजी महाराज की सेवा भी चलती है। बालाजी महाराज आप किसको कहते हैं? बोले शनिदेव महाराज की। आगे ना चल, हनुमान जी आपकी रक्षा में आ गए, अब आप जाके बैठ जाइए। तब बात क्या रहेगी, इसका मतलब वे ब्राह्मण प्रेत बनेंगे और यक्ष आदि बनेंगे, वे ब्राह्मण ऐसे ब्रह्म पिशाच बनेंगे जो हनुमान जी की पूजा करने के लिए स्त्रियों को मना करते हैं। भगवान का एक ही तत्व ही शरीर में आत्मा, इसके अलावा स्त्री पुरुष कोई नहीं है। प्रत्येक शरीर में एक पुरुष का तत्व है, एक आत्मा है जो पुरुषत्व है, पुरुषत्व धारण करती है, चाहे वो स्त्री के शरीर में हो और चाहे पुरुष के शरीर में हो। इसलिए भगवान शंकर का एक स्वरूप बनाया गया है जिसमें उनकी अर्धांगनी उनके आधे अंग में दिखाई देती है, और इसको अर्धनारीश्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें एक तत्व पुरुषाकार है और एक प्रकृति का तत्व है। आगे ना, तो इसलिए प्रकृति और पुरुष का हमेशा से मेल रहा है और अर्धनारीश्वर भगवान का स्वरूप रहा है। ठीक है, अब वो ब्राह्मण गधा है, ब्राह्मण होते हुए जो ब्राह्मण कुल में तो उत्पन्न हो गया, लेकिन लोगों को भगवान की पूजा करने से मना कर रहा है, स्त्री और पुरुष का भेद करता है। तो जो स्त्री और पुरुष का भेद करता है, देखिए ये भेद एक बार क्या किया, एक बार रैदास जी महाराज ने कर दिया। मीरा जी ने कहा कि माँ भगवान मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहती हूँ और मैं आपसे एकांत में मिलना चाहती हूँ। अब उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं स्त्रियों को एकांत में, स्त्रियों के साथ कदापि वार्तालाप नहीं करता। अब उन्होंने लिखा, मुझे तो पता ही नहीं था एक उस परम पुरुष के अलावा कोई और भी पुरुष पृथ्वी पर रहता है। इतने शर्मिंदा हुए, माफी मांगी, बकायदा जो शिष्या होने वाली थी जिसको उन्होंने दीक्षा देनी थी, ये देखिए आप। ठीक है, आज के ब्राह्मण ऐसा कहते हैं, मैं ब्राह्मण होते हुए उन ब्राह्मणों को धिक्कार करता हूँ और उनको बताता हूँ वो सदा के लिए नरकगामी है। अगर कोई यमराज का नरक है तो वे उसकी पूरी यातना भोगेंगे जो स्त्रियों को ये कहने पूजा करने से मना करते हैं। इसके पीछे का एक कारण है, लोगों ने उनको कुछ भी देना छोड़ दिया, अब वो चाहते हैं ये हनुमान जी की पूजा करेंगी, त्वरित देवता है, इनके घरों का उनके परिवार का कल्याण करेगा, उद्धार करेगा, और कल्याण उद्धार इनका हो गया तो ये हमारी शरण में नहीं आएंगी। सबको अपने पास लोग बैठे हुए चाहिए जैसे मनु भैया जी के पास बैठे, इसके लिए उनके पास संस्कार हो या कुछ गुण हो या बस उनको ये चाहिए, इतने लोग आए जाए, रोज चढ़ावे आवे हमारे, रोज मजा आवे, रोज नाचे गाए, रोज कीर्तन करें, हमारी समाज में वाहवाही फैले। ठीक है, खुद्दू बना रखे है, ऐसे ब्राह्मणों को धिक्कार है। ब्राह्मणों को इन ऐसे कृत्यों के लिए तो धिक्कारा जा सकता है, सदा के लिए नहीं धिक्कारा जा सकता। अगर ब्राह्मण ने इतने पाप किए होते तो फिर ब्राह्मण उद्धार के लिए आगे नहीं आते। मैं भी तो उद्धार के लिए आगे आया हूँ, नहीं समझे आप? ब्राह्मण पापी नहीं है सर्वथा, बस एक दो कांड उसने जरूर कर दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने शूद्र को और उसको गलत भावनाओं से देखा है। आया समझ में? और उसका इसमें कुछ करना भी नहीं था। देखो भाई, तुम भी एक बात बताओ, एक आदमी सने हुए वस्त्र पहन के अगर तुमने भगवत भक्ति नहीं किया और भगवान को पाया नहीं जब तक, क्या नहीं किया, पाया नहीं भगवान को जब तक, अगर तुमने भगवान को पा लिया तो तुम्हारी नजर में सारा जाति भेद खत्म, और अगर तुमने नहीं पाया तो तुम उसको देख सकते हो कि ये मैला ढोने वाला है तो ये मैला है, और मैंने साफ स्वच्छ वस्त्र पहने हुए, प्रेस किए हुए, तो मैं इसको अपने पास क्यों बैठा हूँ। बस इतना भेद जरूर है, और वो था भी है भी, और उसको कोई मिटा भी नहीं पाएगा। ठीक है ना, आप यहाँ से देखिए एक बार क्या हुआ। विवेकानंद जी महाराज चले जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने देखा एक आदमी बैठ के हुक्का पी रहा है, ठीक है जी, और इनके मन में हुक्का पीने की आई, लेकिन इन्होंने मन ही मन में ये सोच लिया कि ये तो शूद्र है। आपको पता है 2 किलोमीटर आगे चले गए और वहां से इतने शर्मिंदा होके वापिस आए, उसके साथ बैठ के हुक्का पी के वापिस गए। ये विवेकानंद की ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है, कितनी बड़ी बात है। उन्होंने अपने आत्मा को धिक्कारा, रे मैं ईश्वर का भक्त होके कितना भेद कर रहा हूँ, है ना, और वो भी जातिगत भेद बनाए सब उसने, माया सब उसकी रची सब उसने है, है? वही उसमें खून है, वही उसमें रक्त है, वैसा ही उसमें मांस लगा हुआ है ना, और वैसे ही उसके शरीर के अंदर हड्डियां हैं। हमें अच्छे महात्मा चाहिए, और महात्माओं की फसलें तैयार हो रही हैं बुरों की, तो जब बुरों की फसलें तैयार होगी, मुझे भी चाहिए वो अच्छा महात्मा, बुरों की फसलें तैयार होगी, जैसे
मैं मानता हूँ कि आज बेशक प्रेमानंद को लोग प्रेमानंद महाराज जी को ज्यादा भज रहे हैं, लेकिन उन लोगों को सबसे ज्यादा अगर किसी की आवश्यकता है तो राम सुखदास जी महाराज के प्रवचनों की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है, क्योंकि सारी उम्र बीत जाएगी, प्रेमानंद जी शरीर छोड़ के चले जाएंगे तब भी ऐसा प्रवचन नहीं कर सकते जैसा राम सुखदास जी महाराज के प्रवचनों से आपको मिल सकता है, आपके बच्चों को मिल सकता है, आपकी संतानों को मिल सकता है, इस देश के युवाओं को मिल सकता है, जो कहीं नहीं है वो राम सुखदास जी महाराज के सत्संग में आपको सबको मिल सकता है, जहाँ बिना भेद के राम सुखदास जी महाराज ने ईश्वर प्राप्ति को दुनिया में सबसे सरल कर दिया है। भूल जाओ सारे महात्माओं को, भूल जाओगे जिस दिन राम सुखदास जी को पढ़ोगे, तब पता चल जाएगा बहुत सारे भेद इस पृथ्वी लोक के तुम्हारे सामने अपने आप खुल जाएंगे, सब कुछ नगण्य रह जाएगा, जो सोचते थे वो फैल हो जाएगा, और कहोगे यही शिक्षा हमारे बच्चों को भी मिलनी चाहिए। बोलिए जय शनिदेव।